अस्सलाम वालेकुम जनसंजीगर्स का आलापे, दिस इज़ योर बॉय टीवी व्लॉग्स एंड इट्स एन अमेजिंग डे इन भावलपुर। सर्दी है, धूप है और उन दोनों का जो मिक्सचर वो एक अलग ही फील देता है, तो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। सैडली आज हमारा लास्ट दिन है, वी आर लिविंग राइट नाउ बैक टू कराची, लेकिन एक चीज़ बीच में देखनी जो रह गई है वो है नूर महल। तो हम कोशिश करेंगे इफ़ यू कैन गो और सिर्फ आधा घंटा भी नूर महल देख के आ जाए सो एक ट्रिप कम्प्लीट हो जाएगी। या तो दैट्स द प्लान फॉर टुडे। अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने, आप लोग रुकेंगे रूम में ही क्योंकि आप हो गए चार्ज और मैं जाऊँगा नाश्ता करने क्योंकि मुझे भी होना है चार्ज। खैर सामान डन, नाउ वी लीविंग। वी आर हेयर एट नूर महल। मास्क लगाए दिल नहीं, अभी मैं आया हूँ यहाँ पे दूसरे बंदे का मास्क लेने। ये कि मैंने यूट्यूब पे देखा था कि अगर आपको अंदर आना तो यू हैव टू गेट फोटो कापी ऑफ एवरीवंस NIC, लेकिन अभी जब हम आए तो सिर्फ एक बंदे के NIC की फ़ोटो कापी ली और गाड़ी का नंबर लिखा बस। दैट्स द नूर महल। अठारह सौ बहत्तर से लेकर 1875 तक 3 साल के अरसे में इसको महल की तमीर में खास बात यह है कि इसमें सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें चावल, दाल माश, पटसन, चिकनी मट्टी और चूने को ब्रीक पीस कर इस्तेमाल किया गया। खिड़कियों और फर्नीचर के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल की गई वो सागवान की लकड़ी है। ये उस वक्त बर्मा से इंपोर्ट की गई थी। और इस महल के कुल 32 कमरे हैं जिनमें 14 बेसमेंट में हैं, 5 गुंबद और 6 बरामदे काबिले जिक्र हैं। और इस महल का कुल रकबा 44,600 मुरबा फिकर। This room is to show के how Bawalpur contributed to the development of Pakistan. Soldiers, यहाँ के culture, यहाँ की सारी चीज़ें, all the melts to see in Bawalpur. फारुक महल, शाह महल, गुलजार महल जिसके अंदर हम कल गए थे और उसके बाद दरबार महल, बाड़ी दाड़ी एंड नूर महल। तो यहाँ है वो बादशाह की कुर्सी जिसके ऊपर बैठना ऑब्वियसली बात मना है, और आपका भाई, अपने भाई को भी साथ दे सकते हैं। ओके सो टाइम कम होने की वजह से पूरा महल तो एक्सप्लोर नहीं कर रहे, बट इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट। इट्स द रॉयल बगी ऑफ मोहम्मद नवाब एंड दिस इज द जीप, द फोर्ड जीप ऑफ नवाब सादिक। ओके सो दैट वाज इट फॉर नूर महल। अब गाड़ियां बैठे गए एंड वी विल गो स्ट्रेट टू द मोटरवे बैक टू कराची। कैसे सागर में डूब जाना, हाँ तो फाइनली अभी बज रहे हैं 4 एंड वी हैव स्टार्टेड द मोटरवे और अब इट्स गोना बी स्मूथ राइड 200 किलोमीटर और उसके बाद वी विल रीच सक्कर और उसके बाद जो खराब राइड शुरू होगी हाईवे पे जिसके अंदर अंचर पंचर सारे ढीले हो जाने। खैर खाना वाना खाते हैं, बिरयानी फोड़ते फिर कंटिन्यू टूवर्ड्स द मोटरवे। इसलिए क्वेश्चन ये कि हम कराची कितने बजे पहुँचेंगे क्योंकि ये तो अभी पहला ब्रेक था, अभी तो बहुत सारे ब्रेक्स आने बाकी है। अगर मेरे से पूछो तो आई थिंक कि हम रात को 3 या 4 बजे के बीच में कराची पहुँचेंगे, बिकॉज हम गाड़ी स्लो नहीं चलाते लेकिन हम ब्रेक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं और वो ब्रेक्स भी 15 मिनट आधे घंटे के होते हैं जिसके वजह से टाइम एडअप होते जाते हैं एंड वी रीच होम वेरी लेट। तो खैर अब देखते क्या सीन है, लेट्स गो एंड हैव सम
फूड। देख रहे हो ये इतना छोटा ब्रेक भी एक घंटे का हो गया, 4:45 हो रहे हैं। तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड्स सक्कर। टू लेट बट इट्स अस। ट्रक का टोल कितना होता है मोटरवे पे? ट्रक का हाँ ये होता है 3320 रुपये। ये मुल्तान से आगे जाएं तो मुल्तान से चढ़े हैं ना। अच्छा मुल्तान से चढ़ो सक्कर पे उतरोगे तो 3320 रुपये। ख्यालों में गुम रात पाए लिखती। फाइनली आफ्टर 3 आवर्स ऑफ ड्राइविंग वी हैव रीच्ड सक्कर। 7 बज रहे हैं। अब तो मैंने कंटिन्यूस गाड़ी चलाई है लेकिन अब कमर में दर्द हो रहा है और एक चीज की जो जरूरत है वो है चाय। ओ भाई मेरे टांग का, ओ भाई। हेलो भाई ब्रेक खत्म, नाउ बैक रोड। British Moto एट हैदराबाद टोल प्लाजा। वी डिसाइडेड कि हम N5 की जगह N55 के ऊपर जाएंगे और इट्स अ शॉर्ट रूट। वहाँ से हम N55 पे गए और वो रास्ता स्टार्ट में सही था, वाज अ सिंगल लेन वन वे रोड। उसके बाद और आगे गए तो पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो आई थिंक ये जो N55 वाला हाईवे इट्स गोना सून टर्न इनटू द हैदराबाद टू सक्कर मोटरवे एंड विच इज़ वेरी मच नीडेड एंड इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो फिर होप करते कि जल्दी बन जाए एंड वी हैड अ सेफ ट्रैवल। बाद वी विल कंप्लीट द मोटरवे और पिछले साल की तरह यहाँ पे व्लॉग खत्म करते हैं। 2 घंटे लग गए और तो उसके बाद वी विल रीच अवर होम। सो या दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अलविदा।